वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। तो चलिए आज हम कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग बींग्स या डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसका हमने लास्ट टाइम इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था, आप सभी को याद होगा। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने बताया था कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमने पांच भाग में डिवाइड कर दिया था। ओके, पांच पार्ट्स में डिवाइड किया था हमने। ओके, जिसको हमने हर एक पार्ट को हमने क्या बोला था, किंगडम बोला था। ओके, हर एक पार्ट को क्या बोला था, किंगडम बोला था। और किंगडम जो है वो क्लासिफिकेशन का क्या है, हाईएस्ट रैंक है, हाईएस्ट रैंक। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर आपको क्लासिफाई करना है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर आपको क्लासिफाई करना है, तो उनको हम सात कैटेगरीज या फिर मैं बोलूं सात रैंक्स में हमें डिवाइड करना पड़ेगा या सात स्टेप्स में हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो स्टेप कौन कौन से बताए थे हमने। सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना है तो उसकी स्पीसीज के बारे में जानना होगा। ये देखिए लिखा हुआ स्पीसीज, फिर जीनस, फिर उसके बाद हमें जानना होगा उसकी फैमिली के बारे में, फिर जानना होगा हमें उसके ऑर्डर के बारे में, फिर जानना होगा हमें उसकी क्लास के बारे में, फिर जानना होगा हमें उसके डिवीजन के बारे में, और फिर जानना होगा हमें उसके किंगडम के बारे में। सो जो स्पीसीज है वो लोवेस्ट रैंक है, लोवेस्ट रैंक है स्पीसीज, और जो किंगडम है वो हमारा क्या है, हाइएस्ट रैंक है, हाइएस्ट रैंक है। ओके, सो किंगडम को हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हमने पांच किंगडम में बांट दिया था। तो इसकी हिस्ट्री देखते हैं। सबसे पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन आया, कार्ल लिनियस ने 1758 में दिया था। कार्ल लिनियस को हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन का, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। कार्ल लिनियस को हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं। उन्होंने पूरे हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, प्लांट किंगडम में डिवाइड किया और एनिमल किंगडम में डिवाइड किया, बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलर सिमिलरिटीज। लेकिन वो जो क्लासिफिकेशन था जिसको कार्ल लिनियस ने दिया था, जिसको हम टू किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं, वो प्रॉपर नहीं था। वो सभी ऑर्गेनिजम्स को वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था कि प्लांट है या एनिमल है, ये उसका एक ड्रॉबैक था। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है युगलिना का, युगलिना, जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है वायरस का, वायरस एंड वायरस और युगलिना। वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको आप लिविंग भी नहीं कह सकते और नॉन लिविंग भी नहीं कह सकते। उसका कारण है, आप सभी को पता है कि वायरस जब बॉडी से बाहर होता है तो वो नॉन लिविंग होता है, और बॉडी के अंदर होता है तो वो लिविंग होता है। इसलिए ना तो उसको हम प्लांट बोल पा रहे हैं ना ही एनिमल बोल पा रहे हैं। वैसे ही युगलिना, 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 युगलिना एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें प्लांट के भी कैरेक्टर हैं और एनिमल भी कैरेक्टर हैं। तो कार्ल लिनियस हैं वो इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए थे। तो वो जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था वो पूरा नहीं था कि हमारे जो इतने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अच्छे से क्लासीफाई कर पाए, तो ये उसका एक ड्रॉबैक था। उसके बाद रॉबर्ट एच विटेकर आए 1969 में, अमेरिकन इकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट दिया। उन्होंने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनको पांच भाग में बांट दिया, किंगडम मोनेरा, इसके अंदर सारे के सारे प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आएंगे, साइनोबैक्टीरिया, एसिटोनोमाइसिटिस, आर्कियोबैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया का ग्रुप है मोनेरा। पूछ लिया जाता है कि मोनेरा प्योर बैक्टीरिया का ग्रुप है। उसके बाद आए प्रोटिस्टा, इसके अंदर यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखा गया। फिर आए फंगी, सारी की सारी फंगी, फिर प्लांट और एनिमल। अब देखिए कार्ल लिनियस ने तो सिर्फ दो ही किंगडम दिए थे, उसके अलावा भी तीन आ गए। इसका मतलब कि इस यूनिवर्स में प्लांट और एनिमल के अलावा भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, मोनेरा बोल रहे हैं, प्रोटिस्टा बोल रहे हैं, फंगी बोल रहे हैं। ओके, तो विटेकर ने क्या चीज देखी थी, कैसे इनको कहा कि पांच तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं। विटेकर ने जो अपना स्टडी का क्राइटेरिया रखा था वो क्या क्या रखा था, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया था उन्होंने। जो स्टडी का उनका जो क्राइटेरिया था वो था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल स्ट्रक्चर। उन्होंने सेल का स्ट्रक्चर देखा सभी ऑर्गेनिजम्स का।
तो जो भी ऑर्गेनिजम्स थे जो एक जैसे थे, जिनकी क्रिएशन एक जैसी थी, उनको हमने क्या बोला, उनको उनको एक जगह पे रखा। फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखी, बॉडी कैसे ऑर्गेनाइज हुआ है, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा, सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन देखा, उनकी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप देखी, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखी कि वो कहाँ से पैदा हुए हैं, कैसे हुए हैं। तो क्वेश्चन आता है कि चार मेन क्राइटेरिया कौन से थे जिसके बेस पे आर एच विटेकर ने सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पांच पार्ट में डिवाइड कर दिया, मैं बोलूँ पांच किंगडम में डिवाइड कर दिया। वो थे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब इनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। ओके, तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन कैसे थे, देखिए ऑर्गेनिजम्स हैं दो तरह के हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंशिएट आप फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ पा रहे हो। तो फाइव किंगडम क्लासिफिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ मोनेरा है वो क्या है, प्रोकैरियोट है, और बाकी सारे के सारे क्या है, यूकैरियोट है। तो मोनेरा प्रोकैरियोट है। यूकैरियोटिक के अंदर क्या क्या आ गया हमारा, प्रोटिस्टा जो कि यूनिसेलुलर है, ओके प्रोटिस्टा, उसके बाद हमारा क्या है, एनिमिलिया, फंगी और प्लांट। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 पांच किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसके अंदर मोनेरा हमारा प्रोकैरियोट है, बाकी चारों क्या है, यूकैरियोट है। इस यूकैरियोट्स के अंदर यूनिसेलुलर सिर्फ क्या है, यूनिसेलुलर सिर्फ क्या है, प्रोटिस्टा है। तो देखो क्लियर ऑर्गेनाइजेशन होगी हमें कि जितने भी प्रोकैरियोट्स थे प्लांट और एनिमल के अलावा उनको हमने मोनेरा बोल दिया, जितने भी यूनिसेलुलर थे उनको हमने क्या बोल दिया, प्रोटिस्टा भी बोल दिया। ओके, जो मल्टी सेलुलर थे वो क्या थे, एनिमल और प्लांट, उसके अंदर भी डिफ्रेंशिएट कर दिया। जिसकी सेल वॉल थी उसको हमने क्या बोल दिया, प्लांट और फंगी, और जो विदाउट सेल वॉल के थे उनको हमने क्या बोल दिया, एनिमल्स। ओके, ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप इनको अच्छे से देख के पढ़ सकते हो। तो जो मेन पॉइंट है वो प्लीज आप यहां से ही नोट करेंगे। ये जो हमारा टेबल है, अगर इसको आपने अच्छे से समराइज कर लिया, अच्छे से समझ लिया, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मोनेरा यूनिसेलुलर है, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर है, ध्यान में आ गया, फंगी मल्टी सेलुलर है, प्लांटी मल्टी सेलुलर है, एनिमिलिया मल्टी सेलुलर है। देखिए मोनेरा प्रोकैरियोट है, बाकी सारे के सारे क्या हैं, यूकैरियोट हैं। अब इनका सेल वॉल और मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो क्राइटेरिया हो गए ना, सेल वॉल एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो वो हम वन बाय वन आगे पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट किंगडम, जिसका नाम है किंगडम मोनेरा। अब मोनेरा की जहां पे भी बात आएगी, मोनेरा, मोनेरा नाम उन उन सभी सॉरी बैक्टीरिया को दे दिया, इनको दे दिया बैक्टीरिया, जो कि क्या है, प्रोकैरियोट्स हैं। क्या है, प्रोकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स का मतलब सारे बच्चे समझते हैं, दे डोंट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं था। ओके, ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी, इनकम्प्लीट थी। सो किंगडम मोनेरा इंक्लूड्स मोस्ट एंशियंट, सबसे पुराने, भाई सबसे पहले आया था तो वेल ऑर्गेनाइज थोड़ी था, स्मॉलेस्ट सबसे छोटे हैं, एंड सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट प्लेंटीफुल प्रोकैरियोट्स। मोस्ट प्लेंटीफुल प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कि बहुत ज्यादा मात्रा में दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्ट प्रिमिटिव, सबसे शुरुआती हैं, सबसे पहले थे, ये अर्थ पे आए थे, दे हैव स्टिल कंटिन्यू, अब भी हैं। कार्ल वॉइस ने 1994 में किंगडम को मोनेरा को फिर डिवाइड कर दिया, मोनेरा के अंदर भी बता दिया कि बैक्टीरिया है, वो भी अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया, एक को बोल दिया आर्को बैक्टीरिया, क्यों बोला, इसके कैरेक्टर देख के, एक को बोल दिया यू बैक्टीरिया, क्यों बोला, इसके कैरेक्टर को देख के, एक को बोल दिया ओके सॉरी दो, आर्को बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। ओके, तो जितने भी बैक्टीरिया हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मोनेरेंस बोलते हैं। क्या कैरेक्टर देखे थे जिनको अलग से रखा गया, मोस्टली यूनिसेलुलर है, ये क्या है, यूनिसेलुलर। ओके, एक एक्सेप्शन है, पूछ लिया जाता है, बायोलॉजी इज द फील्ड ऑफ एक्सेप्शंस, बायोलॉजी इज द सब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शंस, एक्सेप्शन जरूर बोलेंगे। साइनोबैक्टीरिया जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गे बोलते हैं, फिर आगे हम बताएंगे उसको एल्गे में क्यों नहीं रखा गया, उनको प्लांट्स में क्यों नहीं रखा गया, एल्गे प्लांट है ना। तो साइनोबैक्टीरिया क्या है, एक्सेप्शन है, जिसके अंदर हाउएवर साइनोबैक्टीरियाज आर हाउ एवर फिलामेंटस, वो कैसे हैं, फिलामेंटस है, इसका मतलब वो मल्टी सेलुलर है। बताएंगे फिलामेंट्स क्या होते हैं, दे डोंट हैव ए डेफिनेट न्यूक्लियस, इनके डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता। द जेनेटिक मटेरियल इज सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड हेलिकल डीएनए, सभी को पता है जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, डीएनए, क्या है, डीएनए, डी ऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, कैसा है,
डीएस डबल स्टैंडर्ड, देखिए मैं बना देता हूँ, इस तरह का होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ओके, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ओके, सच ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव ए डेफिनेट न्यूक्लियस, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। इसलिए किंगडम मोनेरा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वो कैसे हैं, सारे के सारे प्रोकैरियोट्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत अच्छी बात। तो उस समय जब वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं थी सेल, तो उसके अंदर जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स थे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, गोल्गी एपेरेटस, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम आर लैकिंग, ये सारे नहीं थे। तो मैं बोल दूं कि जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं, मतलब सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, वो दो तरह के ऑर्गेनल्स हैं, एक मेम्ब्रेन लेस, एक मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब जिनकी मेम्ब्रेन होती है, और एक जिनकी मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो मेम्ब्रेन बाउंड, जिन भी ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन होती है, वो ऑर्गेनल्स मोनेरा के अंदर नहीं थे। लेकिन एक्सेप्शन है, एक था जिसका नाम क्या है, राइबोसोम्स। क्या नाम है, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स हैं, वो क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड है, बट दे आर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दे आर द मेम्ब्रेन बाउंड बट दे आर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। देखिए ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, ध्यान रखेंगे, दिस इज द बैक्टीरिया। ओके, सेल वॉल इज जनरली प्रेजेंट, सेल वॉल होती है भैया, ये सेल वॉल है इनकी, सेल वॉल इज प्रेजेंट, ये दिखा रखे, सेल वॉल इज प्रेजेंट, ये कैरेक्टर है, कुछ एक के नहीं होते। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा, ऑटोट्रोफ भी होते हैं और हेटरोट्रोफ भी होते हैं। ऑटोट्रोफ का मतलब दे सिंथेसाइज देयर ऑन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, हेटरोट्रोफिक का मतलब दे गेट देयर ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम एनवायरमेंट, मींस दे डू नॉट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। ओके, तो पहले आप एक बार बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखिए अच्छे से, फिर आपको समझ में आएगा। देखिए दिस इज द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोम्स हैं। तो राइबोसोम हमारे एक्सेप्शन थे कि राइबोसोम्स हैं वो क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, फिर भी प्रेजेंट है। ओके, दीज आर द लिपिड ग्लोब्यूल्स, लिपिड पार्टिकल्स, दीज आर द लिपिड पार्टिकल्स, दिस इज द ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। ओके, दिस इज द फ्लैजिला, फ्लैजिला क्या होता है, थ्रेड लाइक आउटग्रोथ, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये साइटोप्लाज्मा जो हमारा है, सेल का अंदर पार्ट है, यही बाहर आ जाता है और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में बदल जाता है। तो बड़े जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उनको हम फ्लैजिला बोलते हैं, छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उनको हम पिलाई बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, PILI, पिलाई बोलते हैं उनको। चलिए, सिंगल स्टैंडर्ड फ्लैजिला आर प्रेजेंट इन मोनेरियंस, देखिए ना फ्लैजिला है ये रे, सिंगल स्टैंड, सिंगल। किंगडम मोनेरा इंक्लूड्स टू बैक्टीरिया, अभी बताएंगे आपको, टू बैक्टीरिया, एसिटोनोमाइसिटीज, साइनोबैक्टीरिया, और जिसको हमने ब्लू ग्रीन एल्गे बोला था, माइकोप्लाज्मा एंड आर्कियोबैक्टीरिया। तो हम वन बाय वन सभी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ट्रू बैक्टीरिया क्या होता है, पूछ लिया जाए मोनेरा के अंदर क्या होते हैं बैक्टीरिया, कौन कौन से बैक्टीरिया, तो मेरे बच्चे बता देंगे कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, एसिटोमाइसिटीज है, साइनोबैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्म है, आर्कियोबैक्टीरिया है, ट्रू बैक्टीरिया। ट्रू बैक्टीरिया दे आर द बेसिकली यूनिसेलुलर, मैंने शुरू में बोला था कि सारे के सारे क्या है, यूनिसेलुलर है। सबसे कम कॉम्प्लेक्स, इनके ऑर्गेनाइजेशन बहुत सिंपल है। ओके, दे रेयरली एक्सीड 2 माइक्रोन्स, इनकी साइज बहुत ही छोटी है, 10 माइक्रोन्स इन लेंथ। द सेल वॉल इज कम्पोज ऑफ, प्लीज इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लें, पूछा जाता है कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, नोट कर लेंगे, पेप्टिडोग्लाइकन्स अलग अलग तरह की होती हैं, जैसे इनकी स्फेरिकल, बैक्टीरिया एक स्फेरिकल शेप है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोकी बोलते हैं, रोड शेप है उसको, स्फेरिकल शेप होती है, एग्जाम्पल कोकी, रोड शेप एग्जाम्पल बेसिली, कॉर्क स्क्रू शेप्ड, स्पाइरलम और फिलामेंटस। वन बाय वन मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, देखिए कौन कौन सी शेप होती हैं इसकी, यहाँ से आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से, ये कोकस, बेसिलस, स्पाइरिला एंड विब्रो, कोमा सेप, पूछ लिया जाए कोमा सेप बैक्टीरिया का नाम बताओ, विब्रो, क्या बोलोगे, विब्रो। सो कोकस बिल्कुल देखिए स्फेरिकल शेप है, बेसिलस रोड शेप है, स्पाइरुला स्क्रू टाइप के, नट जैसे कसते हैं ना वैसे। जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, यूनिसेलुलर हैं, फिलामेंटस हैं, विच डू नॉट पोसेस ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, सभी को पता है इनके अंदर न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज नहीं होता। ओके,
बहुत अच्छी बात है। प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स क्या होते हैं, जिनके अंदर क्या होगा, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होगा। चलिए, सम बैक्टीरिया सेल, बहुत सारी बैक्टीरिया सेल्स के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम फ्लैजिला बोलते हैं, सिंगुलर फ्लैजिलम। ये देखिए, ये रहा स्पाइरिला, ये निकला हुआ ना बाहर, ये क्या है, फ्लैजिला। ओके, किसके बने होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन, फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ ए प्रोटीन, एक प्रोटीन का नाम बताइए, फ्लैजेलिन, फ्लैजेलिन। ये क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे बार बार, किसके बने होते हैं, फ्लैजेलिन के बने होते हैं। ओके, नॉन फ्लैजुलेट बट स्ट्रेट हेयर लाइक स्ट्रक्चर, मैंने बोला छोटी आउट ग्रोथ, उनको क्या बोलते हैं, पिलाई या फिम्ब्रे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए हैं, पिलाई क्या होती है, फिम्ब्रे क्या होता है। तो मेरे सारे बच्चे बता देंगे फिम्ब्रे क्या होता है, वो बोलेंगे कि सर हेयर लाइक ग्रोथ होती है फिम्ब्रे होती है, थ्रेड लाइक ग्रोथ होती है वो फ्लैजिला होता है। ओके, सो ट्रू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया के बारे में समझ में आ गया सारा। ओके, उसके बाद है हमारा एसिटोनोमाइसिटीज, ये भी एक बैक्टीरिया है, ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर ब्रांच्ड, यूनिसेलुलर है और कैसे हैं, ब्रांच्ड हैं, फिलामेंटस बैक्टीरिया। इनकी शेप कैसी है, फिलामेंट, फिलामेंट देखा है ना, बल्ब का फिलामेंट होता है वैसे। कहाँ मिलते हैं, सॉयल में, फ्रेश वाटर में, मैन्योर में, फूड प्रोडक्ट्स में, एग्जाम्पल स्ट्रिप्टोमाइसिस और माइकोबैक्टीरिया। मेरे सारे बच्चों ने याद कर लिया, और एसिटोनोमाइसिस तो याद रहेगा क्योंकि एक्टिनोमाइसिटीज है ये। एक्टिनोमाइसिटीज का एग्जाम्पल क्या होगा, एक्टिनोमाइसिस, क्या होगा, एक्टिनोमाइसिस, स्ट्रिप्टोमाइसिस और माइकोबैक्टीरियम, तीन एग्जाम्पल याद हो गए। SMA, या फिर सेम याद करो, सेम, SAM, सेम, स्ट्रिप्टोमाइसिस, एसिटोनोमाइसिस एंड माइकोबैक्टीरियम, ये सारे क्या है, एसिटोनोमाइसिटीज है। तो इसमें क्या फर्क हुआ, दीज आर यूनिसेलुलर ब्रांच्ड एंड फिलामेंटस, यूनिसेलुलर है, ब्रांच्ड है और कैसे है, फिलामेंटस है। ट्रू बैक्टीरिया कैसे, बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही छोटे हैं, वेरी स्मॉल। ओके, वेरी गुड, चलिए आगे देखते हैं हमारा साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट वन इज साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया भी बोलते हैं या फिर ब्लू ग्रीन एल्गे भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए प्लीज आप बैक्टीरिया का डायग्राम देखिए, ये रहा बैक्टीरिया का डायग्राम है, बीच में एक ये सेल्स है सारे, बीच में एक अलग सी सेल है हिट्रोसिस्ट, ये ऊपर एक और भी अलग सी सेल है जिसका नाम है रेस्टिंग स्पोर, बताएंगे वन बाय वन क्या होता है। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक है, प्रोकैरियोटिक है, जिसके अंदर वो जो बहुत सी हैबिटेट्स में रहते हैं, हर जगह मिलते हैं आपको, इनके अंदर ये फोटोसिंथेटिक है, सो दैट्स व्हाई दे हैव द क्लोरोफिल। नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे, दे हैव क्लोरोफिल दैट्स व्हाई दे आर फोटोसिंथेसिस। और बहुत सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी होते हैं इनके अंदर, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या हुआ, कि जो हमारा साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है वो क्या करता है, जब भी फोटोसिंथेसिस करता है तो ऑक्सीजन निकालता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया ऐसे हैं जो एटमोस्फियर के अंदर नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं अर्थ के अंदर, जिससे धरती के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है, फर्टिलाइजेशन अच्छा हुआ ना, इंप्रूव करेगी, नाइट्रोजन इंप्रूव करती है फर्टिलिटी ऑफ द सोइल, हमने इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में आपको पढ़ाया था। तो पूछ लिया जाता है, दो ऐसे साइनोबैक्टीरिया के नाम बताओ जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, नोस्टोक और एनाबिना। मेरे सारे बच्चे याद रखें, ये रहा नोस्टोक और ये रहा एनाबिना, नोस्टोक और एनाबिना, व्हाट माय पॉइंट, नोस्टोक एंड एनाबिना। हिट्रोसिस्ट, हिट्रो का मतलब डिफरेंट सेल, हिट्रोसिस्ट का मतलब क्या हो बेटा, डिफरेंट सेल। ये किसमें काम आती है, हेल्प इन रिप्रोडक्शन, किसमें हेल्प करती है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है हिट्रोसिस्ट। नेक्स्ट वन इज माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म आर यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल का मतलब क्या होगा, देखिए ध्यान रखें, जिसके फ्लैजिला है वो मोटाइल है, चल सकते हैं ऐसे ऐसे चल सकते हैं। दे आर नॉन मोटाइल प्रोकैरियोट विच लैक ए डिस्टिंक्ट सेल वॉल, इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती। अभी हम पढ़ के आए थे कि बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल होती है, वो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की, लेकिन माइक्रोप्लाज्म के अंदर सेल वॉल नहीं होता है। दे अकर इन सोइल, सीवेज, वाटर, डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर। सम ऑफ माइक्रोप्लाज्म अकर पैरासिटिकली इन प्लांट्स। पैरासिटिकली का मतलब वो पैरासाइट की तरह रहता है, वो जो प्लांट है वो होस्ट है,
एनिमल जो भी है वो होस्ट है, मतलब वो एनिमल को नुकसान भी पहुंचाता है, उससे खाना भी लेता है। दे कॉज डिजीज, क्या करते हैं डिजीज करते हैं, जैसे कि निमोनिया इन ह्यूमन बींग्स, जो हमारे अंदर निमोनिया हो जाता है वो किसकी वजह से, माइकोप्लाज्म। पूछ लिया जाता है कौन सा, माइकोप्लाज्म निमोनिया, माइकोप्लाज्म निमोनिया। नेक्स्ट वन इज आवर आर्कियोबैक्टीरिया। आर्कियोबैक्टीरिया क्या है, आर्कियोबैक्टीरिया आर द यूनिक टाइप ऑफ प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोट्स हैं, लिविंग इन मोस्ट एक्सट्रीम एनवायरमेंट, सभी को पता था प्रोकैरियोट्स हैं, सभी को पता था। एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स का मतलब बता देंगे, सॉल्ट में भी रह सकते हैं, बहुत ज़्यादा हीट में भी रह सकते हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड में भी रह सकते हैं। ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द लाइफ, सबसे पुराने हैं इस धरती के अंदर। तो इन्होंने मतलब हर जियोग्राफिकल चेंज को देखा है, हर जियोग्राफी धरती ने आपने बहुत सारे रूप बदले हैं, तो हर रूप में ये रह सकते थे, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, यूनिक हैं, एक हर एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकते हैं। ओके, अब जो ऑप्शन, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये सोलर रेडिएशंस को क्या करते हैं, अब्जॉर्ब कर देते हैं और वहाँ से क्या लेते हैं, एनर्जी लेते हैं। सर्वाइव अंडर एनारोबिक कंडीशन, एनारोबिक कंडीशन में भी रह सकते हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस में भी रह सकते हैं। ओके, दे डिवलप्ड द मैथड्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग केमिकल सब्सटेंस विद द अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन। इन्होंने सीख लिया कि अगर ऑक्सीजन अवेलेबल हो तो उनको ऑक्सीडाइज करके क्या कर लें, हम फूड ले लें, एनर्जी ले लें। सो दिस वॉज आवर फर्स्ट किंगडम, दैट इज कॉल्ड मोनेरा। मोनेरा का पहला, फाइव किंगडम का पहला पार्ट था। तो देखिए अलग से क्लास बन गया, पूछ लिया जाए आपसे कि भैया बता दीजिए कि हमें जितने भी मोनेरा हैं उनके अंदर क्या होगा, तो आप बता दोगे सर क्या होगा, इनके अंदर सारे के सारे बैक्टीरिया होंगे। ओके, चलिए एक छोटा सा किंगडम और है, वो और कर लेते हैं, उसके बाद आप इसको रिवाइज करेंगे। किंगडम प्रोटिस्टा। मोनेरा के अंदर आपने क्या पढ़ा, सारे बैक्टीरिया पढ़ लिए। ओके, अब चीज क्लियर होगी, बैक्टीरिया किसके अंदर आ गया, मोनेरा के अंदर आ गया। प्लांट को आपको पता ही, अभी पढ़ना बाकी। प्लांट किंगडम के अंदर सारे प्लांट है, एनिमल किंगडम के अंदर सारे क्या है, एनिमल्स। अब हमारा है प्रोटिस्टा, अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले प्रोकैरियोट थे, अब धीरे धीरे डेवलप होके बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स चेंजेज हुए और क्या बन गए, यूनिसेलुलर यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म बन गए। डेवलपमेंट हुआ ना, इवोल्यूशन हुआ, हम बोलेंगे इवोल्यूशन हो गया अब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का। यूकैरियोटिक का मतलब कि दे हैव द वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। प्रोटिस्टा आर मोस्टली एक्वेटिक, सारे क्या है, एक्वेस्टिक हैं। और कहाँ रहते हैं, एक्वेटिक हैं तो जहाँ पे भी पानी अवेलेबल होगा। इनका सेल स्ट्रक्चर कैसा है, यूकैरियोटिक है। द प्रोटोप्लाज्म इज सराउंडेड बाय डिस्टिंक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ध्यान रखेंगे इनके क्या है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इन एडिशन सम प्रोटिस्ट हैव आउटर कवरिंग ऑफ पेलिकल, क्यूटिकल, सेल और सेलुलोस वॉल। ध्यान रखेंगे ये प्रोटिस्टा की जो आउटर कवरिंग है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। इनके अंदर भी क्या है, डीएनए है, हेलिकल डबल स्ट्रक्चर डीएनए स्ट्रक्चर है। ओके, इनके अंदर प्रोटीन है, क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स आर एनक्लोज्ड बाय ए न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट। ये इंपॉर्टेंट बात है, प्रोटिस्टा के अंदर अब क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस। प्रोटिस्टा के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस है। ओके, मोनेरा जो हमारा मोनेरा था उसके अंदर जो क्या बोलते थे, हमारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स वो नहीं थे, लेकिन प्रोटिस्टा है उससे एडवांस है, क्योंकि इसका न्यूक्लियस भी क्या है, एडवांस है कि नहीं है, यूकैरियोट है। तो इसके अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स थे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम, ये सारे के सारे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो देखिए अब हम पढ़ क्या रहे हैं, डाइवर्सिटी के अंदर हम बिल्कुल ही लो लेवल से हाई लेवल तक जाएंगे, मतलब शुरुआती ऑर्गेनिज्म कैसे थे और अच्छे हुए और अच्छे हुए, बेस्ट हुए हमारी, लगा लो हम पहले आज से 50 साल पहले क्या थे, वेल डेवलपमेंट नहीं थे, बट सड़कें अच्छी नहीं होती थी, कच्चे रास्ते होते थे, कच्चे मकान, लेकिन धीरे 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 हम अच्छे डेवलप हो गए ना, तो वैसे ही हम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं। सबसे पहले क्या थे, प्रोकैरियोट्स थे, प्रोकैरियोट्स से क्या है, यूकैरियोट्स। तो जो हमारा प्रोटिस्टा है वो क्या है, यूकैरियोट्स है। तो हमारे प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या नहीं थे, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं थे, एक्सेप्शन क्या था, राइबोसोम, लेकिन प्रोटिस्टा यूकैरियोट है इसलिए इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है इनका, ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है और हेटरोट्रॉफिक भी हो सकता है।
चलिए, मूवमेंट कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला और सीलिया। एक सूडोपोडिया वर्ड है। सूडोपोडिया क्या है? ग्रोथ होती है, आउट ग्रोथ होती है इस तरह की। मान लीजिए प्रोटिस्टा एक अलग से आउट ग्रोथ होगी, बॉडी की आउट ग्रोथ, उसको हम क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया बोलते हैं। ठीक है, मैं बच्चों को समझाता हूँ। जैसे कुबड़ निकल जाना, आउट ग्रोथ हो जाने। ओके चलिए, बहुत अच्छी बात। तो यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा को हमने तीन मेजर ग्रुप में बांटा है, प्रोटिस्टिन एल्गे, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन प्रोटिस्टा। ध्यान रखेंगे, हमने वहाँ पे हमने चार भागों में बांटा था मोनेरा को, ट्रू बैक्टीरिया में, एसिटिनोमाइसिटीज में, माइकोप्लाज्म में और साइनोबैक्टीरिया में। अब हम किंगडम प्रोटिस्टा को तीन भाग में बांट रहे हैं, प्रोटिस्टिन एल्गे में, स्लाइम मोल्ड्स में और प्रोटोजोन प्रोटिस्ट में। इनकी फिगर भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो जो सबसे पहला हमारा है प्रोटिस्टिन एल्गे, दीज आर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एल्गे विच लिव इन वाटर बॉडीज। कहाँ रहते हैं? वाटर बॉडीज। एल्गा क्या होता है बेटा? काई। काई होती है एल्गे। यूजली ग्रो एंड कवर द सर्फेस ऑफ वाटर बॉडी, मूव्स ऑन मर्करी ऑफ द वाटर करंट, मर्सी ऑफ वाटर करंट, वाटर करंट के साथ साथ बहते रहते हैं, पानी को कवर कर लेते हैं। दे आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम को बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? डाइनोफ्लेज, जिलेट्स, डाइंग एटम्स और यूगलिना। अब यूगलिना का कैरेक्टर कैसा है? ना प्लांट है ना एनिमल है, इसलिए वो क्या है बेटा? प्रोटिस्टा है। वो क्या है? प्रोटिस्टा है। ओके तो जिसका प्लांट का भी कैरेक्टर नहीं, एनिमल का भी कैरेक्टर नहीं, वो सारे क्या है? प्रोटिस्टा। जैसे डाइनोफ्लेजिलेट्स, डाइएटम्स, जिसमें प्लांट भी का भी कैरेक्टर मिलेगा और एनिमल का भी कैरेक्टर मिलेगा। ये क्या है? यूकैरियोटिक एल्गे हैं। क्या है? एल्गे, काई। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखना आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा ये सारा। ये देखिए प्लीज, ये डाइनोफ्लेजिलेट है, ना प्लांट है ना एनिमल है, ये क्या है? प्रोटिस्टा है। ये डाइएटम है, ना प्लांट है एनिमल है, ये क्या है? प्रोटिस्टा है। ये क्या है? यूगलिना है, ना प्लांट है ना एनिमल है, प्रोटिस्टा है। मिक्स कैरेक्टर है। स्लाइम मोल्ड्स इंक्लूड वेरी इंटरेस्टिंग एंड पिक्यूलियर ऑर्गेनिज्म विच शेयर कैरेक्टर्स ऑफ बोथ एनिमल्स एंड फंगी। एनिमल के भी और फंगी के भी, फंगी आगे पढ़ेंगे। ओके तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो वेजिटेटिव पार्ट है, दे डू नॉट पोसेस सेल वॉल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द स्लाइम मोल्ड्स, दे डू नॉट पोसेस द सेल वॉल, उनके सेल वॉल नहीं होती। ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं। दे आइदर अकर एज ए फ्री लिविंग मल्टी न्यूक्लिएट मास ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, जिसको हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं। देखिए आपको लगेगा कि ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, मल्टी न्यूक्लिएट है, ये बहुत बड़ा मास है, टुकड़ा सा है, जिसको हमने क्या बोल दिया? प्लाज्मोडियम। क्या बोल दिया है? प्लाज्मोडियम। आपको लगेगा ना ये एनिमल है या प्लांट है, कुछ भी नहीं है, ये क्या है? स्लाइम मोल्ड है। ओके मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब अब्जॉर्ब्ड डिजोल्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। डिजोल्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को क्या कर लेता है? अब्जॉर्ब कर लेता है। ओके नेक्स्ट इज प्रोटोजोआ। दीज आर यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक होंगे, एक्वेटिक में रहेंगे, फ्रेश वाटर है, मैरिन। दे वेरी इन द फॉर्म, शेप में अलग अलग होते रहते हैं, स्फेरिकल शेप हो सकता है, ओवल बेल शेप्ड हो सकता है, ठीक है, स्लीपर लाइक भी हो सकता है, इररेगुलर। स्लीपर अपने ही रहे, उगलिना रहे ना, चप्पल की तरह का। द सेल में भी यूनिन्यूक्लिएट, बाइन्यूक्लिएट और मल्टी न्यूक्लिएट पूछ लिया जाता है। देखिए स्लाइम मोल्ड्स क्या है? मल्टी न्यूक्लिएट है। क्या है? मल्टी न्यूक्लिएट है। लेकिन प्रोटोजोआ क्या है? मल्टी भी हो सकता है, यूनि भी हो सकता है, बाई भी, एक न्यूक्लियस भी, दो भी और बहुत ज्यादा भी। सेल वॉल इज एब्सेंट। सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट होती है। ओके मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? होलोजोइक की है। एग्जाम्पल याद रखेंगे प्लीज, एंट अमीबा बहुत अच्छे से याद रखेंगे बच्चा, पैरामीशियम बहुत अच्छे से याद रखेंगे, अमीबा बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ओके गैरिडिया बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ट्रिप्नोसोमा बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। सो आपको सिर्फ दो ही किंगडम पढ़ने हैं पहले, उसके बाद थर्ड किंगडम फंगी का हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो ये प्लीज़ दो किंगडम पढ़ें अच्छे से आप। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो मेरे से पूछें, मेरी बात समझें कि ये सारे ऑर्गेनिज्म हैं और इनके कैरेक्टर पढ़ने हमें, और एक ऑर्गेनिज्म के दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या डिफरेंस है, उस डिफरेंस की वजह से ही हमारे क्या अपने किंगडम्स बने। सो थैंक यू वेरी मच। अगर कोई भी दिक्कत आपको आती है तो आप मेरे से व्हाट्सअप कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।